मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है फ्राइडे और फ्राइडे को मैं नहा धो के बस आपसे मिल रही हूँ। अभी कोई काम नहीं हुआ और बाल मेरे कितने टूट रहे हैं दिखा दूँ। बहुत ज़्यादा बाल मेरे झड़ रहे हैं, हेयर फॉल बहुत हो रहा। कोई ना कोई दवा बता दो आप लोग, क्योंकि मैं सर्च कर करके देख ली, कोई भी दवा फ़ायदा नहीं कर रही है। तो चलो फिर अब करूँगी पूजा पाठ। जो लोग न्यू आते हैं मेरे चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो में लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं, मेरी बातें अच्छी लगती हैं आप लोगों को कि नहीं। काम मॉर्निंग का हो गया है, बच्चे गए स्कूल, अब मैं अकेली अपने इस राम कुटिया में काम करूँगी। और मेरा घर पूरा राम कुटिया ही है मेरे हिसाब से, छोटा भी है और मैं इसे अपनी राम कुटिया ही मानती हूँ। ठीक है, चलिए फिर राम कुटिया में लग जाती हूँ, अपना काम करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से कुछ देर बाद। बाल सुखा लूँ, थोड़ा सा धूप सेक लूँ, धूप अभी तक मैंने बिल्कुल नहीं सेकी, बाल मेरे एकदम से भीगे हैं। चलो धूप में चलती हूँ, वहाँ मिलती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ आके तो खड़ी हो गई हूँ लेकिन धूप बिल्कुल नहीं है, मतलब एकदम से। आज फ्राइडे के दिन हमारी तरफ धूप नहीं निकली है, अभी 9:30 बजने वाले हैं, 9:30 बज रहे होंगे शायद, घड़ी तो मैंने अभी नहीं देखी। और थोड़ा सा यहाँ पे कोहनी में लगा लेती हूँ ना ऑयल बादाम वाला, तो यहाँ थोड़ा सॉफ्ट रहता है, नहीं एकदम इरिटेशन हुआ करती है मुझे। चलो पूजा पाठ कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। धूप नहीं है आज ज़्यादा, और थोड़ा सा रिलैक्स होके अब यहाँ तुलसी माता के पास पूजा आरती कर रही हूँ, और इसके बाद फिर अंदर करूँगी। देखिए थोड़ा थोड़ा धूप आ रही है, क्योंकि जब बाल धुल के नहाओ ना तो ठंडी ज़्यादा लगा करती है। लेकिन अभी जब तक काम करूँगी, एक्टिव रहूँगी, तब तक मैं स्वेटर नहीं पहनूँगी। जब एकदम से आराम करने का टाइम होगा तब स्वेटर पहनूँगी, अभी ठंड नहीं लगेगी। काम में लगे रहो ना तो ठंड बिल्कुल नहीं लगती। तो यहाँ की पूजा पाठ हो गई है, चलिए अब चलते हैं अंदर। और जो सिस्टर मेरी कमेंट कर रही थी कि कौन से मंत्र आप बोलते हो, तो मैं तो जब से पूजा शुरू करती हूँ कोई ना कोई मंत्र बोलती ही रहती हूँ। लेकिन सबसे मेन, अगर आप लोग बहुत सारे प्रार्थना, बहुत सारे मंत्र, बहुत सारे कुछ नहीं जानते हैं तो सिर्फ इतना ही कह दीजिए। अगर आप श्री कृष्ण भगवान के भक्त हैं तो श्री कृष्णम शरणम ममम, प्रभु श्री कृष्णम शरणम ममम, इतना कह दीजिए तो सारा भार वो थाम लेंगे, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। और मैं मंत्र ही जप रही हूँ जिसे मैंने म्यूट कर रखा है। और उसके बाद फिर अगर आप प्रार्थना बहुत लंबी नहीं करना चाहते तो सिर्फ इतना कह दीजिए, जिस विधि हो ए नाथ हित मोरा, करहु सो देख हि दास मैं हूँ तोरा। इसका मतलब होता है जिस भी प्रकार से, जैसे भी हमारा भला हो प्रभु, आप वही काम कीजिए। हम अपने बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते। और अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप किसी को नहीं समझा पा रहे हैं, किसी भी प्रकार की तकलीफ़ से आप परेशान हैं, आप खुद को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो सिर्फ भगवान पर यही भार छोड़ दीजिए। प्रभु प्रभश नगर की जे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, मतलब जो मेरे बस में नहीं है प्रभु वो आप देखिए, वो आप करिए, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ या कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो वो सब कुछ संभालेंगे, उनके हाथ हो जाएगा आपका काम, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मंत्र पूजा में ऐसे शब्द बोलने से यही फल होता है, मैं अक्सर इसलिए ये सब बोलती रहती हूँ। देखिए मेरी आरती पूजा भी हो गई है और फिर अब देखती हूँ और क्या करती हूँ। जो निधि हो ये नाथ हित मोरा, करहूँ सो देखि दास मैं हूँ तोरा। चलो मिलती हूँ कुछ देर बाद, पूजा तो हो गई और फिर आ गई हूँ प्रसाद लेके, जो मैंने भगवान को चढ़ाया था वही मैं खा के पानी पी रही हूँ। अक्सर मेरा ये नियम ही होता है कि मैं जो चढ़ाती हूँ उसी को मैं भी खाने लगती हूँ। और यहाँ मैंने टीवी लगा रखी है, थोड़ा सा अभी नाश्ता करूँगी तो टीवी लगा के देख लूँगी कुछ न्यूज़ वगैरह, नहीं न्यूज़ भी नहीं देख पाती हूँ, यूट्यूब के में लगी रहती हूँ, टीवी देखने का कभी टाइम ही नहीं मिलता है। ऐसे ही जब खाना खाती हूँ, कुछ ऐसा नाश्ता वास्ता करती हूँ तब टीवी देख लेती हूँ इसी के साथ। और बस यहाँ थोड़ा सा मैं बैठी हूँ, 5 मिनट कम से कम, आ गई उधर। ये देखिए जो पेड़े मैंने बनाए थे ना, इतने बचे हैं, मतलब ये सोंधा सोंधा रहता है ना, तो बच्चे मेरे इसको अक्सर खाते हैं,
और ऐसे ही मिठाइयाँ उसे पसंद भी है, मतलब तीनों को, दुकान से जो मैं मंगाती हूँ ना उसे इतना अच्छा से नहीं खाते हैं। और दाल मैंने इधर चढ़ा दी है, चीनी भरूंगी, मंगाया था मैंने, फिर चीटियाँ हो जाती हैं। रिफाइंड ऑयल है उसको मैंने फ्रिज में रख दिया, रिफाइंड ऑयल की हमें बिल्कुल भी पूड़ियाँ नहीं अच्छी लगती, ना मुझे ना मेरे हस्बैंड को, केवल बच्चों को अच्छी लगती है। बच्चे डालडा वाली पूड़ी नहीं खाते हैं और हमें रिफाइंड वाली अच्छी नहीं लगती, तो ये सारा कुछ दिक्कत होती है। तो जब बच्चों ही खाते हैं उनके लिए मैं रिफाइंड की बनाती हूँ, हस्बैंड के लिए जब कभी पूड़ी बनाती हूँ तो डालडा की बनाती हूँ, रथ घी जो आता है डालडा उसे। ये देखिए दाल मेरी इधर बन रही है, आज मैंने बाल धुल के रहा था ना तो अभी तक ठंडा रहा मुझे। इधर मैंने आलू बैंगन चढ़ा दिया है, चोखा बनाऊंगी आलू बैंगन का। और दाल देखिए पक गई है, चावल इधर रखा हुआ है, तो दाल चावल भरता रोटी ये खाना आज बनेगा। और भरता मैं कुछ नए तरीके से आज बनाऊँगी, आप लोग देखिएगा चोखा। ये देखिए लहसुन मिर्ची मैंने इतनी निकाल ली है, और इसमें डालूंगी नमक, नमक अच्छे से पीसूंगी और धनिया का पत्ता भी डाल लूँगी। ये वाले नमक से आज मैं चोखा बनाऊंगी, बहुत स्वाद आता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं डालना मुझे, बस इतना ही डालना है। मिर्ची मतलब धूप इधर से चली गई थी तो मिर्ची का मुझे आज अचार भी रखना है, इस वाले ब्लॉग में नहीं डालूंगी अचार, अगले वाले ब्लॉग में डालूंगी। तो इसे मैं भर के रख दूँ क्योंकि धूप बिल्कुल नहीं है, जब धूप नहीं तो डालने का मतलब क्या है। वैसे भी इसका जो पानी होता है ना मिर्च का, वो मर गया है, पानी मर जाता है तभी अचार रखा जाता है, जिससे वो ख़राब ना हो। तो इसे भर के मैं थाली में रख दूँगी। और एक तरफ मेरा खाना उधर बन रहा है, मैंने चावल चढ़ा दिया है, आलू मेरा पक गया है मैंने छील के रख दिया था उसे, नमक इधर पीसूँगी और नमक पीस के फिर चोखा बनाऊँगी। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है चोखा, आप लोग ऐसे बनाइएगा। टमाटो मैंने केवल अलग से मतलब भून लिया है और सारा कुछ उबाला था मैंने, और इस सिलबट्टे में पीस लूँगी। ये नमक ना आप लोग जब हरा चना होता है ना खेत में, उसे तोड़ तोड़ के खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो हस्बैंड से काफ़ी दो चार दिन से कह रही हूँ कि चलिए मुझे गांव ले चलिए, ससुराल में वहाँ जाऊँगी तो अपने खेतों में चना का साग जो होता है उसे खाऊँगी खुद से तोड़ के, ये मुझे बहुत पसंद है। और ये बच्चे स्कूल से आ गए ना तो इनकी शरारत शुरू है, एक दूसरे को खदेड़ खदेड़ के मार रहे हैं, मतलब यही इनका काम होता है, डेली का ये नियम है। और फिर मैं चिल्लाती रहती हूँ, कभी कभी तो मैं बोलती ही नहीं हूँ, मेरी एक आदत हो गई है, क्योंकि मैं इतना अपने YouTube के चक्कर में बिजी रहती हूँ, टाइम मिलता नहीं, थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो मैं अपने काम में लग जाती हूँ, तो इनको चिल्लाती ही नहीं हूँ। कुछ देर अपनी साथ करते रहते हैं, अपने आप शांत हो जाते हैं, क्योंकि ना उलझना मुझे अच्छा ही नहीं लगता, मतलब किसी भी से नहीं। बच्चों को भी डांटूंगी तो एक को डांटूंगी, दूसरा रोएगा, दूसरा को किसी किसी डांटूंगी, तो सब अपने से समझ जाते हैं, ज़्यादा चिल्लाती नहीं हूँ, हंसती रहती हूँ मैं भी इन लोगों के साथ, क्योंकि सब कुछ चलता है। ये देखिए अलग से मैंने धनिया की पत्ती डाल दी है और नमक तेल, बस बस इसी का चोखा बनाऊंगी, कसम से बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और हम सबका ये फेवरेट है मतलब। तो आज हमारे लंच में यही खाना बन रहा है। और नमक देखिए मैं दिखाती, इतना मैंने पीसा है। ये देखिए चोखा रेडी हो गया है, थाली भी निकल गई है, हस्बैंड की, मेरी, बच्चों की, मतलब सब लोग आज इकट्ठे खा रहे हैं। मॉर्निंग से मैंने आज बस वही पानी पिया था जो भगवान जी का प्रसाद खा के, बस सुबह से कुछ ही नहीं खाया मैं, खाया मैंने, बहुत सारा काम था, काम में लगे थे। जो मिर्ची मैंने धूप में डाली थी ना पहले से, उसको मैंने बीच से कट करके फिर से रखा, जिससे कि उसका अंदर का जो थोड़ा बहुत पानी वो भी मर जाए। तो खाना खाने के बाद आप लोगों से मिल रही हूँ मैं सीधे इवनिंग में। इधर नल चल रहा है, बर्तन धुलना है, पानी भरना है, ये बाल्टी गंदी हो गई है मेरी, इसे अच्छे से रगड़ के साफ़ करना है। और कल वाली वीडियो में ये कमेंट आया था कि आप जो बात बता रहे हो बहुत ही मोटिवेशनल होता है, तो सच में हमें ऐसे ही रहना है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें खुद में चेंजेस लाते रहना है ना, एज के अनुसार, समय के अनुसार, स्थितियों के अनुसार। मान लो हम सक्सेस हो गए हैं तो हमें अकड़ के नहीं चलना कि मतलब अब सब सक्सेस हो गए हैं तो अब गरीबों को देख के ऐसे मुंह बनाए, अपने ही फैमिली वालों को नीचा दिखाना चाहे, अपने ही घर वालों से अकड़ के चले, नहीं, एक नॉर्मल, जैसे पहले आप अगर अकड़ के चलते थे तो अभी आप सक्सेस हो गए हो तो नॉर्मल हो जाओ, अभी और धीमा चलने लगो, यही तो लाइफ है। हमें खुद को ही चेंज करना है, दूसरों को नहीं, दूसरे को हम नहीं चेंज कर सकते। दूसरों को हम दिखा सकते हैं कि देखो हम ऐसे चल रहे हैं, आप भी कुछ हमसे सीखो, तो उनको सीखना होगा तो वो सीख लेंगे, हम ज़बरदस्ती उनसे नहीं कर सकते कि अरे आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, नहीं, वो हमारे कहने से नहीं चलेंगे। लेकिन अगर आप सक्सेस हो जाओगे, आप पैसे वाले हो जाओगे, आप नॉर्मल रहोगे, आप एकदम से सिंपल हो जाओगे, तो वो लोग भी आपको देखें ना, उनको भी समझ में आएगा, अरे ये तो पहले ऐसे अकड़ के चलता था, सबसे लड़ता था, अभी तो इतना सीधा सीधा लग रहा है, तो उसको समझ में आएगा कि हाँ कुछ तो है, ऐसा रहना चाहिए। अगर ऊटपटांग दिखाओगे तो फिर भाई लोग
आपको आपसे इरिटेट होंगे, आपसे जलसी भी करेंगे, मेरा मानना है। तो इसलिए जब भी सक्सेस हों हम तो हमें एकदम से नॉर्मल होते जाना है। ये देखिए मिर्ची, मैं बता रही हूँ आप लोगों से कि मिर्ची रखी मेरी, आज रखूँगी कि नहीं, आज शाम को रखूँगी ना तो कल वाले ब्लॉग में डालूँगी मैं मिर्ची का जार। मिर्ची का जार रहता है ना तो खाना पीने में थोड़ा सा ले लो तो एक्स्ट्रा खा लेते हैं हम, मेरा मानना है। चलिए फिर यही मेरा ब्लॉग था, आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग वीडियो भी अच्छा लगा होगा, मेरी बातें भी अच्छी लगी होंगी। मैं मिलूंगी आप लोगों से कोई अच्छी सी नई वीडियो के साथ, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एवरीवन ऑल।